स्वास्थ्य मंत्री बलराम चौधरी जेपी हॉस्पिटल पहुंचे, पीपी किट पहन कोविड वार्ड का निरीक्षण उन्होंने किया है। राजधानी भोपाल में कोविड संक्रमित मरीजों से बात की है, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बातचीत की है। अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री भी हालातों पर निगरानी बनाए हुए हैं और एक बार फिर जेपी हॉस्पिटल पहुंचे, वो पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया, निरीक्षण किया व्यवस्थाओं का, पॉजिटिव मरीजों से बातचीत भी की, उनसे भी जाना है किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्हें मुहैया यहां पर कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने, अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राम चौधरी जेपी अस्पताल पहुंचे और यहां पर जो हैं आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड वार्ड में भी गए हैं प्रभुराम चौधरी और वहां पर जो कोविड पेशेंट हैं उनसे हालचाल जाना है और स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में बातचीत की है, व्यवस्थाओं के लेकर बातचीत की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी हॉस्पिटल में वो निरीक्षण कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, यहाँ पर अधीक्षक हों या अन्य कर्मचारी अधिकारी हों, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ चल रहे हैं। तमाम तरीके के आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं जिससे जो बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में मिल सकें। और प्रभुराम चौधरी सर भी हैं। सर, निरीक्षण कर रहे हैं आप जेपी अस्पताल, क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ खामियां कर रहा हूँ? जो हमारे पेशेंट भर्ती हैं उनकी देखभाल ठीक से हो रही कि नहीं, उनको दवाई प्रॉपर रूप से मिल रही कि नहीं, उनमें सेटिस्फेक्शन है या नहीं, अगर कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी उनके पेशेंट बताएंगे तो उनको और हम इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कोविड वार्ड में गए थे, कोविड वार्ड में गए थे, वहाँ पर भी आपने मरीजों से बात करी, कुछ कमियाँ उन्होंने बताई उसको लेकर आपने कुछ? नहीं, लोगों मेरे पेशेंटों से बात हुई, पेशेंट लोग बता रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमको दवा मिल रही है। सर, एक और चीज़, ऑक्सीजन की कमी जेपी अस्पताल में ही बनी हुई है, इसको लेकर आपके कहेंगे? बताया जा रहा है कि पिछले दिनों भी यहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो गई थी, सेंटरों की कमी ऑक्सीजन की अभी तक मध्य प्रदेश में कमी नहीं हुई, लेकिन चुनौती जरूर है ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई के लिए। मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अन्य अधिकारी भी, मंत्रिमंडल के लोग भी, हम लोग भी सब केंद्र से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए आवंटित भी किया है, जो वहाँ से आने में कोई दिक्कतें हो रही थी वो भी दिक्कतों का सॉल्यूशन निकला है और हम लोग ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में उपलब्ध करा रहे हैं कि जिससे सब लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता है। सुना स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को, उनका कहना है कि धैर्य रखने की जरूरत है और जो पॉजिटिव दर जो थी लगातार बढ़ रही थी, अब उसमें कमी देखने को मिली है और स्वस्थ होकर मरीज बड़ी संख्या में घर जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो इसलिए अस्पताल में निरीक्षण करने आ रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ मरीजों को मिल सकें और जल्द से जल्द लोग मरीज ठीक होकर घर की तरफ जा सकें। इसी कारण वो यहाँ पर जेपी अस्पताल पहुँचे और यहाँ पर निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और डॉक्टरों को दिए हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल।